हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनके डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑफ। जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल है या जो अदर इंसेक्ट का जो बाह्य कंकाल है, वो आपका किसका बना होता है? काइटनस क्यूटिकल, एमिनो एसिड्स, केराटिन या नॉन काइटनस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, ये कॉमन है, आपका काइटनस क्यूटिकल, काइटिन का बना होता है ये। नेक्स्ट है, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरिपेटस जो है वो किन फाइलम्स के बीच में आपका कनेक्टिंग लिंक है? तो पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है आपका पेरिपेटस। नेक्स्ट है, एंटीनी ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। जो कॉकरोच के एंटीनी हैं, उसमें आपके कितने सेगमेंट्स होते हैं? 1, 3, 5 या मैनी? तो मोर देन 5 तो रहते ही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनी सेगमेंट्स। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ कॉकरोच एराइज वन पेयर ईच फ्रॉम। तो आपका जो कॉकरोच में जो विंग्स होते हैं, तो ये आपका किस पोर्शन में आपके एराइज होते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि प्रोथोरक्स में तो नहीं रहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाथोरक्स, सॉरी मीजोथोरक्स एंड मेटाथोरक्स। नेक्स्ट है आपका, द डॉर्सल प्लेट ऑफ द थोरक्स ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। जो डॉर्सल प्लेट होती है थॉरेक्स रीजन की कॉकरोच की, वो क्या कहलाती है? स्टर्नम, नॉटम, एपिडर्मिस या क्यूटिकल। तो जो आपका डॉर्सल प्लेट होती है थॉरेक्स रीजन की, ये आपका कहलाती है नॉटम। राइट आंसर ऑप्शन सी, नॉटम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश करेक्टर फाउंड इन मेल कॉकरोच बट नॉट इन फीमेल। इसमें कौन सा ऐसा है जो है आपका फीमेल में नहीं होता है और मेल में वो करेक्टर प्रेजेंट होता है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनल सरसाई, ये भी दोनों में आपका होता है, 13 चैम्बर हर्ड भी होता है, वेस्टिजियल विंग्स। राइट आंसर होगा आपका एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जो है ये आपका केवल मेल्स कॉकरोच में प्रेजेंट रहता है, फीमेल में ये आपका एब्सेंट रहता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द कटिंग ऑर्गन इन द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं अलग अलग, इनमें से कटिंग कौन सा पार्ट करता है? तो कटिंग जो आपका पार्ट करता है वो होता है आपका मैंडिबल। मैंडिबल जो है इसका कुछ शेप इस तरीके का रहता है, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं, तो ये आपका कहलाता है मैंडिबल, यही आपका कटिंग में आपका वर्क करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैंडिबल। नेक्स्ट है आपका, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो जो माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के, 4 ऑप्शन दे रखे, पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप। तो पियर्सिंग तो मॉस्किटो में हो गया, बाइटिंग एंड शकिंग टाइप भी नहीं होते हैं क्योंकि ये शक तो कर ही नहीं पाता है। स्पॉन्जिंग टाइप आपके हाउस फ्लाई जो होती है इसमें होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, यानी कटिंग एंड चीविंग बोल लीजिए, या बाइटिंग एंड चीविंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो आपका कॉकरोच में प्रेजेंट रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज, तो जो बॉडी कैविटी होती है कॉकरोच की वो क्या कहलाती है? कॉकरोच में आपका जो ट्रू सीलोम होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोसील। हीमोसील कैविटी जो होती है वो आपका कॉकरोच में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कॉकरोच इज कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, सैंगवीवोरस। तो सैंगवीवोरस और हर्बीवोरस तो पहले ही कट गए। अब कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स, तो इसमें जो आपका मोर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ओमनीवोर्स। नेक्स्ट है, टंग ऑफ कॉकरोच इज, जो कॉकरोच की टंग होती है जीभ, वो क्या कहलाती है? तो जो टंग होती है वो कहलाती है आपका हाइपोफेरिंग्स। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, कहलाती है आपका हाइपोफेरिंग्स। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 23, 4, 13 या 3? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 चैम्बर। 13 चैम्बर जो होते हैं वो कॉकरोच के हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, मॉर्फोजेनिक या फोटोजेनिक, तो ये तो कट ही गए पहले ही। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, तो जो आपका हायर एनिमल्स हैं उनमें आपका मायोजेनिक हार्ट होता है, इन्वर्टिब्रेट ज़्यादातर आपके होते हैं न्यूरोजेनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यूरोजेनिक, यानी जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो होता है आपका न्यूरोजेनिक। नेक्स्ट है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स आर, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन सा होता है? तो किडनी और मेल्पिजियन कार्पसल्स तो हो ही नहीं सकते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स भी नहीं हो सकते हैं, ये तो सब आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैकी। ट्रैकी जो है ये आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है कॉकरोच का या अदर इंसेक्ट का। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है इसमें आपका कितने पेयर्स स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइरकल्स हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच में वो होते हैं आपके 10। राइट आंसर ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर, कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? हिपेटिक सीका, मेटानेफ्रीडिया, ग्रीन ग्लैंड या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है, कॉकरोच आर, कॉकरोच कैसे होते हैं? एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिक और अमीनोटेलिक या यूरिकोटेलिक। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूरिकोटेलिक। ये यूरिक एसिड जो है सिक्रीट करते हैं, यूरिकोटेलिक कॉकरोच जो है आपका यूरिकोटेलिक एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, जो ग्रोथ होती है या मेटामॉर्फोसिस जो इसमें चेंजेस होते हैं वो आपका किसके थ्रू होते हैं, कौन सा हार्मोन्स इसको रेगुलेट करता है? तो ये आपका रेगुलेट करता है जुवेनाइल हार्मोन। नेक्स्ट है आपका, फैलिक ग्लैंड्स, फैलिक ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू, जो फैलिक ऑर्गन्स है कॉकरोच का वो किससे रिलेटेड है? तो फैलिक ऑर्गन जो है कॉकरोच का वो रिलेटेड है आपका ऑप्शन बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच इज, जो नंबर ऑफ ओवरियोल्स होते हैं ईच ओवरी में कॉकरोच में, तो टू ओवरीज होती हैं, तो इसमें आपके ओवरियोल्स की संख्या कितनी होती है, तो ओवरियोल्स जो होते हैं आपके एट, ओवरी में आठ ओवरियोल्स होते हैं। नेक्स्ट है कोलेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन, जो कोलेट्रियल ग्लैंड है कॉकरोच की वो क्या हेल्प करती है, तो कोलेट्रियल ग्लैंड जो हेल्प करती हैं वो करती हैं फॉर्मेशन ऑफ ऊथी का। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मेल कॉकरोच, अब इसमें कौन सा जो है मेल कॉकरोच में आपका स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो मेल कॉकरोच में आपका जो एब्सेंट होता है वो होता है आपका स्पर्माथीकेई। नेक्स्ट है ऊथीके इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज सिक्रीटेड बाय, ऊथीके जो होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में वो आपका किसके थ्रू सिक्रीट होता है, तो उसमें जो आपका हेल्प करती हैं वो होती हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एग्स ऑफ कॉकरोच आर फर्टिलाइज इन, जो कॉकरोच के एग्स होते हैं वो कहाँ पर फर्टिलाइज करते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ऊथी की, जेनेटल पाउच ऑफ फीमेल या कोकून, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेटल पाउच ऑफ फीमेल। नेक्स्ट है यंग कॉकरोच इज कार्ड, जो यंग कॉकरोच होता है वो क्या कहलाता है, मैगट, निम्फ, एफायरा या प्यूपा, राइट आंसर ऑप्शन सी निम्फ, जो यंग कॉकरोच होता है वो आपका कहलाता है निम्फ। नेक्स्ट है इफ कॉर्पोरा एलाटा इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट इंस्टार ऑफ निम्फ देन, कॉर्पोरा एलाटा जो कि आपका जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करती है, अगर इसको हम फर्स्ट इंस्टार जो निम्फ है उस टाइम पर रिमूव्ड कर दें तो क्या चेंज आ जाएगा, तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो आपका स्टॉप हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस को ही आपका रेगुलेट करता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इट विल रिमेन, इस ऑप्शन इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इट विल रिमेन निम फॉर एवर, इट विल बी इंटर्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ जुवेनाइल, इट विल बिकम एडल्ट इमीडिएटली, ड्यूरेशन ऑफ स्टेडिया इंक्रीजेस, तो ये आपका हालांकि एडल्ट में इमीडिएटली तो नहीं कन्वर्ट होता है, ये आपका जो मिनिएचर एडल्ट का फॉर्म होता है, मिनिएचर एडल्ट, तो ये एक मिनिएचर एडल्ट में आपका बन करके रह जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट विल बिकम एडल्ट इमीडिएटली। अब एडल्ट जो होता है वो उस टाइप्स का एडल्ट नहीं होगा, मिनिएचर एडल्ट में ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कॉर्पोरा एलाटा है ये आपका मेटामॉर्फोसिस को आपका रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है द ग्लैंड्स प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ कॉकरोच, कौन सी ग्लैंड जो है वो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच पर प्रेजेंट होती है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पर जो होती है वो होती है स्टिंक ग्लैंड, स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसका जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन की वजह से ही एक स्टिकी जो आपका स्मेल आती है कॉकरोच की वो इसी के सिक्रीशन की वजह से आती है, राइट आंसर ऑप्शन ए स्टिंक ग्लैंड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स फाउंड इन कॉकरोच, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स एक प्रकार से होना चाहिए, ये आपका चूंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन में उस सेगमेंट्स आपका जो नंबर ऑफ
सेगमेंट्स इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10, क्योंकि जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपका एब्डोमेन रीजन में ही होते हैं। नेक्स्ट है बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन, जो बुक लंग्स है वो आपका किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, तो ये आपका आर्थ्रोपॉड्स है। जो स्कॉर्पियन होते हैं, स्कॉर्पियन में आपका बुक लंग्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एग्स ऑफ कॉकरोच गिव राइज टू, अब जो एग हैं कॉकरोच के वो क्या देते हैं, तो वो देते हैं जो आपका यंग, इसका जो यंग वंश होता है जिसको बोलते हैं आपका निम्फ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपरली पूछा गया है एब्डोमिनल सेगमेंट, तो एब्डोमिनल सेगमेंट जो होते हैं मेल और फीमेल में, दोनों में आपके 10-10 ही होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 10 and 10। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स कॉल्ड काइटिन इज, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपॉड्स का जिसको हम काइटिन कहते हैं, वो क्या होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड? राइट आंसर ऑप्शन डी पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट है इन कॉकरोच द फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ, जो हीमोलिम्फ होता है आपका कॉकरोच में, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो करेक्ट सीक्वेंस है आपका हार्ट टू हेड हीमोसील, पेरिविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, ऑस्टिया, देन हार्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द रिड्यूस्ड हिंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर कार्ड, हाउस फ्लाई में जो आपका रिड्यूस्ड विंग पाए जाते हैं दोनों साइड पे, ये क्या कहलाते हैं, तो जो रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं हाल्टेयर्स। नेक्स्ट है माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई आर, जो माउथ पार्ट्स होते हैं हाउस फ्लाई के वो किस टाइप के होते हैं, तो ये स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग टाइप बोलिए या स्पॉन्जिंग एंड शकिंग टाइप। राइट आंसर ऑप्शन ए स्पॉन्जिंग एंड शकिंग टाइप, इसमें स्यूडोट्रेकिया ही होती है जिसके थ्रू ये स्पॉन्जिंग एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एग्स अ फीमेल हाउस फ्लाई लेज एट अ टाइम, एक समय में जो फीमेल हाउस फ्लाई है वो कितने एग देती है, तो ये आपका लगभग 100 to 125 एग जो है रिलीज करती है। नेक्स्ट है मैगेट ऑफ हाउस फ्लाई फीड्स ऑन, जो मैगेट होता है हाउस फ्लाई का वो क्या फीड करता है, ये फीड करता है डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन हाउस फ्लाई इज, जो हाउस फ्लाई में आपका मेटामॉर्फोसिस का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो होता है एग, फिर होता है आपका लार्वा, फिर प्यूपा, देन एडल्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। नेक्स्ट है एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी एनोफिलीज मच्छर और जो क्यूलेक्स मच्छर है इसको हम किस करेक्टर के आधार पर बाहर से देख करके एक प्रकार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, तो इसमें आपका बॉडी साइज, हालांकि जो एनोफिलीज का साइज बड़ा होता है लेकिन अब साइज जो है वो प्रॉपरली नहीं हम बता सकते हैं, विंग्स भी तो नहीं बता सकते हैं और कलर भी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, लेकिन जो परफेक्ट होगा वो होगा सिटिंग पोजीशन। इसमें जो आपका क्यूलेक्स बैठता है वो आपका क्यूलेक्स आपका पैरलर बैठता है, जो अर्थ है इसके एब्डोमेन इसका पैरलर होगा, और जो एनोफिलीज है, एनोफिलीज का जो है जो एब्डोमेन है वो आपका अर्थ से लगभग आपका 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एनोफिलीज है और ये है क्यूलेक्स, तो ये सिटिंग पोजीशन जो है ये आपका
देख करके हम बता सकते हैं, क्योंकि एनोफिलीज का जो एब्डोमेन है वो नीचे झुक जाता है, 45 डिग्री का एंगल बना लेता है, और जो क्यूलेक्स है ये पैलर पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट है, मेल मॉस्कीटो कैन नॉट पियर्स अवर स्किन बिकॉज इट हैज़ नो। जो मेल मॉस्कीटो होते हैं वो हमारी स्किन को नहीं भेद सकते हैं। क्यों नहीं भेद सकते हैं? क्योंकि इनमें आपका जो मैंडिबल्स होते हैं, अब यहाँ पर पूछा गया है नो मतलब एब्सेंट, यानी मैंडिबल्स जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। हालांकि इनमें जो प्रोबोसिस होती है वो भी आपका स्ट्रांग नहीं होती है कंपैरिजन टू फीमेल, लेकिन मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंडिबल्स जो होते हैं वो आपका एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, एग्स ऑफ क्यूलेक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए। जो क्यूलेक्स के एग्स हैं वो किस फॉर्म में आपके पाए जाते हैं? तो क्यूलेक्स एक बंच के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में पूरा प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं राफ्ट। राफ्ट के फॉर्म में क्यूलेक्स के एग्स पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, द एग्स ऑफ एनोफिलीज आर, तो एनोफिलीज के जो एग्स होते हैं वो आपके कुछ बोट शेप्ड होते हैं, अलग अलग सब होते हैं बोट शेप्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बोट शेप्ड। नेक्स्ट है, मॉस्किटो लार्वा इज कॉल्ड रिगलर। मॉस्किटो लार्वा को रिगलर कहा जाता है ड्यू टू इट्स, क्यों? तो मॉस्किटो लार्वा को रिगलर कहा जाता है ड्यू टू इट्स आपका मूवमेंट के आधार पर, इसके मूवमेंट के आधार पर इसको रिगलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लार्वी ऑफ एनोफिलीज फ्लोट एट वाटर सरफेस विथ देयर। तो जो लार्वी होती है एनोफिलीज की वो फ्लोट करती है वाटर सरफेस पे, तो वो विथ देयर, तो ये जो एनोफिलीज होती है तो ये आपका होल बॉडी हॉरिजॉन्टल टू सरफेस, राइट आंसर, ये आपका जो होल बॉडी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल टू सरफेस होती है, यानी लगभग तल के जो ऊपर का सरफेस होता है उसी के साथ ही साथ पूरा रहता है। नेक्स्ट है, रिस्पायरेटरी साइफन इज फाउंड इन। रिस्पायरेटरी साइफन आपका किस में पाया जाता है? तो रिस्पायरेटरी साइफन प्रेजेंट होता है क्यूलेक्स में, क्यूलेक्स का जो लार्वा होता है उसके लार्वा में आपका रिस्पायरेटरी साइफन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, लार्वे ऑफ एनोफिलीज इज, जो लार्वी ऑफ एनोफिलीज है वो आपका कैसी होती है? तो ये चूंकि सरफेस पे, इसका हेड जो है सरफेस पे होता है, क्यूलेक्स का है जो हेड होता है वो थोड़ा सा बिलो रीजन में होता है, तो ये आपका एनोफिलीज जो है ये सरफेस फीडर है विद अनडेवलप्ड रेस्पिरेटरी साइफन। रेस्पिरेटरी साइफन जो है आपका क्यूलेक्स के लार्वा में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है वो बहुत आपका अनडेवलप्ड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लार्वी ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो फ्लोट्स इन वाटर। जो क्यूलेक्स का मॉस्किटो होता है वो फ्लोट कैसे करता है? वेंट्रली विथ हेड अपवर्ड्स एंड टेल डाउन। तो जो हेड होता है ये डाउन होता है और टेल अपवर्ड होती है, वेंट्रली तो होता है लेकिन हेड डाउन रीजन में रहेगा, जैसे आपका ये वाटर सरफेस है तो इसकी जो टेल है अपर राइट में उस रीजन में होगी और हेड जो है वो आपका बिलो रीजन में, और रेस्पिरेटरी साइफन रहता है जिससे आपका ये रिस्पायर करता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वेंट्रली विथ हेड डाउनवर्ड, यानी हेड जो होता है आपका डाउनवर्ड होता है, एंड टेल अपवर्ड, यानी टेल जो होती है वो आपका अपवर्ड, टेल ऊपर की तरफ और हेड नीचे की तरफ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइलम आर्थ्रोपोडा से। थैंक यू।